हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने नॉट ओनली बट आल्सो को क्लियर किया था। आज आपके लिए तीन स्ट्रक्चर से, लेकिन बेसिकली आपको यहां अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स को क्लियर करना है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अपन साथ लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपार्ट फ्रॉम का एक्टिव वॉइस में यूज किस तरीके से करते हैं वो देखना है, और उसके बाद आपने ये देखना है कि अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स दोनों का सेंस सेम है, तो आपको उसका सेंस भी समझना है। एक्टिव वॉइस में यूज किस तरीके से करते हैं ये भी समझना है, उसका पैसिव वॉइस में किस तरीके से यूज करना है वो देखना है, प्लस जब अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स को हम नाउन और एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं तब हमें उसका यूज किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले अपन पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो आप हिंदी में यूज करते हैं के अलावा या के अतिरिक्त, बात आ रही होगी समझ में। जैसे कोई भी वर्ड जो आप यूज करते हैं यानी इस काम करने के अलावा, जैसे ये आपके सामने, जैसे इस टाइप के जो आप सेंटेंसेस जब हमें बोलने की जरूरत होती है, जैसे एक शतक बनाने के अलावा उसने दो महत्वपूर्ण विकेट भी ली, तो जब हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते हैं तो उसमें इन स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। अब एक तो यहां आपने ये समझना है सबसे बड़ी चीज कि अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स इन दोनों के बाद मेन रूप से मुख्य क्रिया में आईएनजी का यूज किया जाता है, तो बस ये इनकी जो बेसिक जो चीज है वो आपको ये समझनी है कि अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड इन दोनों के साथ आपने मेन वर्ब जो आपकी वर्ब है जो क्रिया है आप उस क्रिया में आईएनजी का यूज करेंगे। एक तो ये सबसे बड़ी चीज है। फिर दूसरी बात जो कि आप पीछे से करते आए हैं, स्टार्टिंग से ही आपने इस चीज को समझने की कोशिश की है कि जो बात कही जा रही है क्या आपने उसमें सब्जेक्ट को फोकस किया है या ऑब्जेक्ट को फोकस किया है। जैसे आप यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप चाहें तो अपार्ट फ्रॉम का यूज करें, आप चाहें तो बिसाइड्स का यूज करें, बिसाइड नहीं बिसाइड्स, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस केवल आपने ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ सेंटेंस है आपके सामने कि एक शतक बनाने के अलावा उसने दो महत्वपूर्ण विकेट भी लिए, तो इस सेंटेंस से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो काम किया जा रहा है उसमें हम काम पे न करके बल्कि सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, यानी एक शतक बनाने के अलावा उसने दो महत्वपूर्ण विकेट्स भी लिए। अगर हम इसी जगह पे ये कहते कि दो महत्वपूर्ण विकेट्स लिए गए तो किसने लिए हमने ये नहीं बताया, लेकिन विकेट्स भी लिए गए, इसका मतलब वो पैसिव वॉइस हो जाता। तो बस यहां आपने पहले तो ये समझना है। चलिए इन दोनों को मैं अभी हटाए दे रहा हूं, बाद में अपन इन दोनों को फिर से लिख लेंगे। पहले आप फर्स्ट स्ट्रक्चर का थोड़ा सा एक दो सेंटेंस के थ्रू ये समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आप इन्हें करेंगे। चलिए ये दोनों आपके लिए हटा दिए गए। पहले आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करना है कि अपार्ट फ्रॉम का जब हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तब क्या होता है और पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तब क्या होता है। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है आपके सामने कि गिरफ्तार किए जाने के अलावा गिरफ्तार किए जाने के अलावा उससे 1000 रुपए फाइन भी देना पड़ा,
तो गिरफ्तार किए जाने के अलावा, यहां देखिए, यानी इसमें हम किसको फोकस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं, यानी ये काम हुआ, किसने किया, हम ये नहीं कर रहे। तो ये क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। यहां देखिए आपके एक शतक बनाने के अलावा उसने दो महत्वपूर्ण विकेट्स भी लिए। यहां आप क्या समझ रहे हैं कि उसने एक शतक बनाने के अलावा दो महत्वपूर्ण विकेट्स भी लिए। तो बस ये आपको अंतर समझना है कि जो बात की जा रही है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। अगर आप एक्टिव वॉइस में करते हैं तो उस कंडीशन में आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, जब आप इसको पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो देखिए जो मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी हम V4 का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीइंग में बनाया जाएगा, समझ में आ रही बात। तो अपार्ट फ्रॉम प्लस V4 जो यूज कर रहे थे जिस स्ट्रक्चर में, अगर हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब अगर हम यहां ये कहते कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के अलावा, इसमें अगर हम ये और जोड़ देते, अभी तो हमने केवल इतना बोल दिया कि गिरफ्तार किए जाने के अलावा, अगर जिसने गिरफ्तार किया हम ये कर देते तब हम बाई प्लस एस का यूज करते। तो बाई प्लस सब्जेक्ट का यहां यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि सेंटेंस में उस चीज को बताते नहीं है। अगर हम यहां ये कह देते कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के अलावा, तब हम बाई पुलिस का यूज यहां करते। तो पहले तो आपने ये देखना है कि एक्टिव वॉइस में जब आप इसे बनाएंगे तो इसे स्ट्रक्चर से बनाएंगे, तो एक शतक बनाने के अलावा, इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम इतना आपने लगाना है, एक शतक बनाने के अलावा, इसका मतलब यानी अपार्ट फ्रॉम के बाद आपने क्या यूज करना है, जो भी आपकी वर्ब होगी आपने उस वर्ब में आईएनजी को लगा के करना है। तो शतक बनाना मतलब स्कोर करना होता है, तब आप यहां कर देंगे स्कोरिंग अ सेंचुरी। बात आ गई समझ में, इतना हो गया आपका कि एक शतक बनाने के अलावा। अब ये जो बात थी वो चूंकि एक्टिव वॉइस में थी इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर से बना दिया कि एक शतक बनाने के अलावा उसने दो महत्वपूर्ण विकेट भी लिए। ये कौन सा टेंस हो गया, उसने दो महत्वपूर्ण विकेट भी लिए, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ही टुक, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे टू, इंपॉर्टेंट विकेट। तो जब एक्टिव वॉइस में इसका यूज किया जाएगा तब आप इसे एक्टिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। अब सेकंड में देखिए, मेरे ख्याल से बात आ गई होगी समझ में, तो इसको हिंदी वाले सेंटेंस को मैं हटाए देता हूं, ठीक है। जब आप इससे बनाएंगे, यानी यहां क्या हो गया कि गिरफ्तार किए जाने के अलावा, जाने वर्ड से ये पक्का है कि जाना जो आ गया उससे आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि आपको रटना नहीं है, आपको यह सेंस समझना है कि किस वजह से यह पैसिव हुआ। इस वजह से यह पैसिव हुआ कि गिरफ्तार किए जाने के अलावा, बात समझ में आई। तो जो ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोकस कर रहे हैं कि काम जो हुआ क्या, गिरफ्तार करने का काम, लेकिन किसने किया ये नहीं बता रहे, इसका मतलब हम ये पैसिव वॉइस बोल रहे हैं। तो गिरफ्तार किए जाने के अलावा मतलब अपार्ट फ्रॉम। अब यहां क्या करना है कि जो V4 था उससे पहले हमें बीइंग प्लस V3 यूज करना है। V4 यहां यूज कर रहे थे, लेकिन इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब ये क्या हो जाएगा कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग, और इसके बाद अरेस्ट का क्या हो जाएगा, अरेस्टेड। तो ये आपका इतना हो गया कि गिरफ्तार किए जाने के अलावा। इसके बाद जो आगे लिखा हुआ है उसे ₹1000 फाइन भी देना पड़ा। ये कौन सा हो गया, देना पड़ा, कंपल्सन हो गया, ही हैड टू। ये स्ट्रक्चर चूंकि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, पे 1000 रुपीज फाइन। तो बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि दोनों में क्या अंतर है, यानी एक्टिव वॉइस आप देख के समझ जाएं और पैसिव वॉइस भी। अब इतने के बाद, जैसे स्टार्टिंग में जब तक आपको प्रॉब्लम है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसी भी स्ट्रक्चर्स का हो, तो पहले आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, कोई भी एक सेंटेंस लेकर के आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए।
जब आप उसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये दोनों चीजें, जैसे अपार्ट फ्रॉम प्लस वी फोर, अपार्ट फ्रॉम बींग प्लस वी थ्री, तो बींग प्लस वी थ्री ऑटोमेटिक आपका यूज होने लगे और अपार्ट फ्रॉम वी फोर अपने आप से यूज होने लगे। यानी ये चीजें आप इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि अपार्ट फ्रॉम के साथ वी फोर आपके आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलने लगे और बींग प्लस वी थ्री आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलने लगे। इसके लिए आपको सोचना ना पड़े। जब आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसका मतलब आप उस चीज को बोल सकते हैं। चलिए एक दो सेंटेंस और देखते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। सेंटेंस है आपके सामने, मैं अंग्रेजी सीखने के अलावा फ्रेंच भी सीखता हूं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात कि ये एक्टिव वॉइस लिखा गया है या पैसिव वॉइस लिखा गया है। एक और सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है आपके सामने, पिटने के अलावा, या आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं इसी बात को, पीटे जाने के अलावा। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन हम सेंटेंस को जब कंप्लीट करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। पीटे जाने के अलावा और पिटने के अलावा दोनों एक ही चीज है। मुझे वहां बेइज्जत भी होना पड़ा। तो अब इस सेंस को समझने की कोशिश की, जैसे फर्स्ट में देखिए, मैं अंग्रेजी सीखने के अलावा फ्रेंच भी सीखता हूं। इसका मतलब यहां सब्जेक्ट पे फोकस है। सेंटेंस में के अलावा यूज हुआ है तो के अलावा के लिए आपने अपार्ट फ्रॉम का यूज करना है, या आप बिसाइड्स का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अंग्रेजी सीखता हूं मतलब अंग्रेजी सीखने के अलावा फ्रेंच भी सीखता हूं, मतलब आई Learn French, ठीक है। किसके अलावा? अंग्रेजी सीखने के अलावा, apart from या besides? तो ये हो जाएगा आई लर्न फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीखता हूं। समझ में आ गई बात? साथ में आपने यूज करना है क्या? अपार्ट फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी सीखने के अलावा मैं फ्रेंच भी सीखता हूं। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस आपको लिखा गया है, यहां से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक्टिव वॉइस है। समझ में आ गई बात? अब दूसरे में देखिए, दूसरे सेंटेंस में वो क्या कह रहा है, पीटे जाने के अलावा, यानी ये काम किसी और के द्वारा किया गया, लेकिन जिसके द्वारा किया गया उस चीज को हम नहीं बता रहे। या आप सीधे सीधे इसमें थोड़ा सा और जोड़ते तो आपके और अच्छे से समझ में आता कि उसके द्वारा पीटे जाने के अलावा मुझे वहां बेइज्जत भी होना पड़ा। समझ में आया? यानी उसके द्वारा पीटे जाने के अलावा उसके द्वारा मुझे वहां बेइज्जत भी होना पड़ा। यानी इसमें क्या था कि जो के द्वारा था वो छिपा लिया गया, उसे हम नहीं बता रहे, लेकिन सेंटेंस के सेंस को समझ के हमें लग रहा है कि जिसने काम को किया वो नहीं बताया गया और काम पे फोकस किया गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये पैसे बॉयस हो गया। तो यहां सीधे सीधे पीटे जाने के अलावा, तब आप इसे क्या करेंगे, अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स? बिसाइड्स से बनाए, किसी से भी बना सकते हैं। बिसाइड्स बीइंग, यहां आपको क्या समझना है कि जैसे ही इसका पैसे बनेगा तब आपने बीइंग प्लस वी थ्री का यूज करना है। तो बिसाइड्स बीइंग बीटन, ये हो गया, ये हो गया इतना आपका कि पीटे जाने के अलावा।
अब आपने बनाना है मुझे वहां बेइज्जत भी होना पड़ा, तो मुझे वहां बेइज्जत भी होना पड़ा, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया कंपल्सन का? इट मींस आई हैड टू, लेकिन मुझे वहां बेइज्जत भी होना पड़ा, इसका मतलब ये भी पैसिव है, तो आई हैड टू बी, हैड टू का पैसिव काय में बनेगा? हैड टू बी इंसल्टेड देयर। दोनों सेंटेंस का शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा इन दोनों सेंटेंस में कि फर्स्ट में आपका कंप्लीट एक्टिव था कि मैं अंग्रेजी सीखने के अलावा फ्रेंच भी सीखता हूं, सेकंड में देखेंगे कि पीटे जाने के अलावा मुझे वहां बेइज्जत भी होना पड़ा, दोनों में कंप्लीट पैसिव था। इतना आपका ये भी पैसिव वॉइस में था और ये भी आपका पैसिव वॉइस में था, मुझे वहां बेइज्जत भी होना पड़ा या मुझे वहां बेइज्जत भी किया गया। अगर आप ऐसा बोलते तो पास्ट में हो जाता, समझ में आ गई बात? तो बस इतना समझना है कि पैसिव वॉइस क्या है और एक्टिव वॉइस क्या है। फिर इसके बाद इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ये सारी बातें जो होती हैं वो डिपेंड आप पे करती हैं, क्योंकि आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं बोलेंगे, इनकी आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस करिए कि चाहे तो एक्टिव वॉइस में और चाहे तो पैसिव वॉइस में चीज आप बोल पाए, चीज आप अच्छे से बोल पाए। समझ में आ गई बात? चलिए और सेंटेंस देखते हैं इसके। सेंटेंस है आपके सामने, भारत रत्न दिए जाने के अलावा उसे 1,00,000 रुपए कैश प्राइज भी दिया गया। सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, भारत रत्न दिए जाने के अलावा, किसने दिया नहीं बता रहे, पैसे बॉयज हो गया, उसे 1,00,000 रुपए कैश प्राइज भी दिया गया, किसने दिया नहीं बताया, किसे दिया गया ये बताया, यानी दोनों ही आपके पैसे बॉयज में हो गए। तो फर्स्ट आप बनाइए भारत रत्न दिए जाने के अलावा, मतलब अब निश्चित रूप से यहीं से बस आपका दिमाग क्लियर हो जाए, यहीं से चीजें हो जाएं, अपार्ट फ्रॉम बी। इसके बाद थोड़ी सी जो बात बचती है ये दिए जाने के अलावा, तो जो वर्ब होती है वो हमें समझ में आनी चाहिए, फोकस हमारा वर्ब पे रहता है बोलते समय। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग, इसके बाद देने के लिए गिव भी यूज करते हैं, बट जब कोई अवार्ड दिया जाता है तो उसके लिए शायद मेरे ख्याल से आपको वर्ड पता होगा कन्फर, CONFER। जब आप इसका थर्ड फॉर्म करेंगे तो RRED हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम बीइंग कन्फर्ड, भारत रत्न दिए जाने के अलावा, भारत रत्न। क्लियर? इसके बाद आएंगे उससे 1,00,000 रुपए कैश प्राइज भी दिया गया, ये आपका क्या हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो गया, उसे दिया गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे, इट मींस ही वॉज गिवन 1,00,000 रुपीज कैश प्राइज। क्लियर? तो इस टाइप से आपने सेंटेंस में ये समझना है कि सेंटेंस आपका जो आप कह रहे हैं, जो भी बात आप कह रहे हैं यहां, अगर जैसे आपको ये पता होता, अगर आप इसे ये कहते कि राष्ट्रपति जी ने भारत रत्न देने के अलावा, भारत रत्न देने के अलावा, इसका मतलब हम इसे एक्टिव वॉइस में कह रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि भारत रत्न दिए जाने के अलावा, इसका मतलब हम पैसे बॉयस कह रहे हैं, या सीधे सीधे आप ये कहते हैं, आपको क्या बात क्या कहनी, आपको ये पहले से पता होगा। जब आपको ये नहीं पता कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, अगर आपको ऑब्जेक्ट पता है
सब्जेक्ट नहीं पता कि काम किसने किया, इसका मतलब आप उन्नीस पैसिव में बोले। तो बस ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है कि हमें यहाँ एक्टिव और पैसिव दोनों अच्छे हो जाएं, जैसे हमें जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग हमारे मुंह से अपने आप से बातें निकलने लगे। और ये सारा खेल जो होता है वो प्रैक्टिस का होता है, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उसके हिसाब से ये सारी चीजें आपसे होने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है आपके सामने, घर गृहस्थी के काम करने के अलावा मुझे जॉब भी करनी पड़ती है। सेंटेंस समझ में आ रहा होगा कि ये आपका कंप्लीट एक्टिव वॉइस में, यानी घर गृहस्थी के काम करने के अलावा, इट मींस अपार्ट फ्रॉम। अब यहां आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में तुरंत ही ये बात आनी चाहिए कि ये एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम प्लस बिफोर आना चाहिए, तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग, घर गृहस्थी के काम, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउस होल्ड चोरेस। ठीक है, ये हो गया आपका घर गृहस्थी के काम करने के अलावा, अब मुझे जॉब भी करनी पड़ती है, पड़ती है मतलब कंपल्सन हो गया, आई हैव टू डू जॉब, ये हो गया आपका मुझे जॉब भी करनी पड़ती है, यानी घर गृहस्थी के काम करने के अलावा मुझे जॉब भी करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा कि हमें एक्टिव वॉइस किस तरीके से लेके चलना है और पैसिव वॉइस किस तरीके से लेके चलना है। इसके बाद जो इसका ये दो स्ट्रक्चर हो गए, यानी एक्टिव वॉइस हो गया आपका और पैसिव वॉइस हो गया, जब आप इसके साथ यानी अपार्ट फ्रॉम के साथ जब आप नाउन और एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तब आपने क्या करना है, तो जो स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में लिखा था वो मैंने आपको तीनों लिखे थे, लेकिन उसमें से मैंने आपको नाउन और एडजेक्टिव हटा दिया था, लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि जब हम इसके साथ नाउन और एडजेक्टिव का यूज करते हैं तब क्या होगा, केवल कि जो हमारे पास ये वर्ब होती है ये नहीं होती, बात आ रही समझ में, और इसकी जगह पे हम इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में बीइंग का यूज करते हैं। तो एक तो बीइंग का यूज आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए करते हैं, तब आपके पास कंप्लीट वर्ब होगी, आप उसका वर्ब थर्ड यूज करेंगे, लेकिन एक क्या होता है कि आपके पास कोई कंप्लीट वर्ब नहीं होती, तब आप इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में इस बीइंग का यूज करते हैं, तब यह हो जाता है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग, और इसके बाद जो भी सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव आएगा आप उस नाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे। इस सेंस में आपका जो अर्थ निकल के आएगा वो हो जाएगा यहां होने के अलावा। ठीक है, जो आपका अभी के अलावा था, जो पैसे बॉयज में जाने के अलावा हुआ, वो यहां आकर के क्या हो जाएगा, होने के अलावा। आप इसके लिए बिसाइड्स का भी यूज कर सकते हैं, इसके बाद भी आपने इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में बीइंग को लेना है, और जो सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव आएगा आपको उसको लेना, सेंस दोनों का सेम ही रहेगा, होने के अलावा या होने के अतिरिक्त। जैसे मेरी वाइफ होने के अलावा वह मेरी सच्ची दोस्त भी है, तो यहां समझ में आ रहा है कि जो सेंटेंस ये है होने के अलावा, इसमें आपके पास कोई कंप्लीट वर्ब नहीं, जैसे इसके पहले जो आप लोगों ने देखा था कि गिरफ्तार किए जाने के अलावा,
तो वहां आपके पास गिरफ्तार करना एक कंप्लीट वर्ब थी, अरेस्ट एक कंप्लीट वर्ब थी। तो इस टाइप से यहाँ आपके पास कोई कंप्लीट वर्ब नहीं होगी, और कंप्लीट वर्ब नहीं है इसलिए आप इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में होना के सेंस को क्लियर कराने के लिए, क्योंकि काम की कंटिन्यूटी का बोध हो रहा था यानी बिफोर आईएनजी यूज हो रहा था, इसलिए यहां होने के सेंस में आपने बीइंग का यूज करना है। तो आप यहां करेंगे अपार्ट फ्रॉम बीइंग, इसके बाद जो भी सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव आएगा, तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग यहां क्या आया है मेरी वाइफ, तब आप उसका यूज कर देंगे अपार्ट फ्रॉम बीइंग माय वाइफ। ठीक है, इसके अलावा आगे देखेंगे वह मेरी सच्ची दोस्त भी है, तो बस इसको बना दीजिए आप सी इज माय ट्रू फ्रेंड। क्लियर, तो ऐसे टाइप से आपने तीनों स्ट्रक्चर्स का यूज करना है, लेकिन प्रैक्टिस मेन चीज है। स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गया, ग्रामर का जो पॉइंट था कि अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स, इन दोनों के बाद जो वर्ब यूज की जाती है आपने उस वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, जो ग्रामर का पॉइंट था वो भी समझ में आ गया। लेकिन इतने के बाद भी जब आप इसे बोलना स्टार्ट करते हैं तब आपके अंदर जो हेजिटेशन होता है, आपको ये लगता है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या कभी कभी हेजिटेशन इस बात से भी होता है कि हमने चूंकि इस वर्ड का यूज अभी तक किया ही नहीं, कोई भी वर्ड अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वही प्रॉब्लम देता है, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस अपार्ट फ्रॉम वी फोर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्लस वी थ्री, अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्लस नाउन एडजेक्टिव, इन तीनों का भी किसी सेंटेंस को लेके अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए और एक दो सेंटेंस देखते हैं। एक अच्छा बैट्समैन होने के अलावा वह एक अच्छा बॉलर भी है, तो यहां समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास कोई वर्ब नहीं, तो हमें क्या करना है बिसाइड्स बीइंग, ये बिसाइड्स बीइंग। अब आपने क्या है, यहां आपके पास चूंकि वर्ब नहीं है इसलिए तो आपने इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में इसको लिया, समझ में आई है कि नहीं। अगर आपके पास कोई वर्ब होती तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते कि यहां बिसाइड्स के बाद उस वर्ब को रखते वी फोर में एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस वी थ्री को रखते। लेकिन चूंकि आपके पास वर्ब नहीं है इसलिए आपने वर्ब के प्लेस पे बीइंग का यूज किया है। अब आपने ये देखना है कि सेंटेंस में या तो किसी नाउन का या किसी एडजेक्टिव का यूज होगा, तो एक अच्छा बैट्समैन नाउन यूज हुआ है, तो बिसाइड्स बीइंग अ गुड बैट्समैन। इसके बाद आगे देखें वह एक अच्छा सॉरी वह एक उपयोगी बॉलर भी है, इसका मतलब ही इज अ यूजफुल बॉलर। क्लियर, तो इसी टाइप से आपने ये देखना है कि हमें सेंटेंस में तीनों का अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस में ये समझने की कोशिश किए, और उसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस ट्रांसलेट वाले तरीके से नहीं चलाने। इसके बाद चीजें आप बगैर सेंटेंस हिंदी में सोचिए, डायरेक्ट इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, सेंटेंस को हिंदी में नहीं सोचना। हाँ, स्टार्टिंग में निश्चित रूप से गलतियां होंगी, आप जो सोचना है आपका जो सोचना है आप उसे इंग्लिश में करिए। कभी तो जैसे स्टार्टिंग सोचने की कहां से होती है, स्टार्टिंग सोचने की इस तरीके से होती है कि पहले हमने किसी चीज को हिंदी में सोचा और फिर हम क्या करते हैं कि उस चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये नहीं, आप डायरेक्ट उसे इंग्लिश में सोचिए, समझ में आ रही बात। अगर आप डायरेक्ट उसे इंग्लिश में सोचेंगे और फिर उसे बोलिए, फिर आपको लगेगा कि जो आपने अपने अंदर सोचा उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है,
ऐसा कभी कभी दिमाग में जाएगा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में आप ऐसा करेंगे लेकिन धीमे धीमे बोलने लगे। क्लियर? चलिए एक दो सेंटेंस और देखते हैं। एक अच्छा प्रशासक होने के अलावा वह एक अच्छा इंसान भी है। निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा कि कोई वर्ब नहीं है, तो अपार्ट फ्रॉम वर्ब नहीं है, इट मींस आपको बीइंग यूज करना है। इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव क्या है, बस उस पर आपको रिमार्क में रखना है। एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये हो गया आपका कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर वह एक अच्छा इंसान भी है। ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, वह एक अच्छा इंसान भी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। हाँ, लेकिन पिछले सारे वीडियोस को एक एक बार देखते रहिए, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। हालांकि मैं जो सेंटेंसेस बनाता हूँ वो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि आपके जो पिछले वीडियोस हैं, जैसे H2 F2 का आज आपको रिवाइज हुआ, H2 का रिवाइज हो गया, तो पिछला कोई ना कोई जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका भी यूज होता रहेगा, जिससे कि वो आपकी मेमोरी में से नहीं निकले। और आप भी थोड़ा सा कोशिश ये करिए कि धीमे धीमे इनको बोलने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि जो चीज आप यूज नहीं करेंगे निश्चित रूप से वो चीज आपके दिमाग से हट जाएगी। आप ज्यादा लंबे समय तक उसे मेमोरी में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। आप लैंग्वेज का मतलब सीधा सीधा है कि आपने जो यूज करते रहेंगे वो आपके पास रहेगा। ओके।